आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के बनाए गए कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज में भी तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कोविड हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगरा में दौरा अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज में तैयारी सारी शुरू कर दी है। लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर हर इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले से ही एसएन मेडिकल कॉलेज को साफ सुथरा और मरीजों की अच्छी बेहतर सुविधा दी जा रही है, उसके लिए हम बात करेंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज के जो प्रचार हैं डॉक्टर प्रशांत जी, क्या व्यवस्थाएँ एसएन क्लिनिक में की जा रही हैं, कब तक आने की उम्मीद है यहाँ पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो कोविड हॉस्पिटल है उसका संभावित दौरा है, वो कभी भी हो सकता है। मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है आगरा का, तो हमारी तरफ से तैयारियां तो पहले से ही रहती हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि कोविड हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सारी पहले से दुरुस्त हैं और बस उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का कुछ रहता है, तो वो थोड़ा बहुत हम लोग देख ले रहे हैं। बाकी यहाँ हमारे पास सारी तैयारियाँ हैं, मरीज़ों को पूरी तरीके से इलाज उपलब्ध है ही, वो आप जानते हैं, और उनके लिए समुचित उपचार, उनके लिए सारी सुविधाएं, वो सब उपलब्ध हैं ही। और अच्छी बात यह है कि इस समय मरीजों की संख्या कम है और जो भी मरीज़ हैं उनका इलाज समुचित रूप से किया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत, ये बताएं, अगर वो एसएन मेडिकल कॉलेज आते हैं तो कहाँ कहाँ का दौरा करेंगे? जैसे अभी कोविड हॉस्पिटल में अपने सारी तैयारी कर रखें, इसके अलावा और भी कोई वार्ड या फिर कोई ओपीडी में कहीं जाने का संभावना है उनकी? जो जी नहीं, उनका जो दौरा इस समय हो रहा है वो पूरे सूबे के जितने कोविड अस्पताल हैं उनके लिए हो रहा है कि कोविड मरीजों का इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको समुचित उपचार मिल रहा है कि नहीं, मतलब यह व्यवस्थाएँ देखने हेतु उनका दौरा हो रहा है। अभी तक कई जिलों के कोविड अस्पतालों में उनका दौरा हो चुका है। सर, देखा गया था कि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह एसएन मेडिकल कॉलेज ने काम किया और जिले में इतना बड़ा अस्पताल होने के साथ आसपास के जिले के जो भी मरीज आते थे उनको यहाँ पर कंज्यूम करना, उनका इलाज कराना, तो अभी तो स्थिति सर ऐसी नहीं है, अभी तो मरीज ही नहीं है सर आपके पास इतने, तो उसको देखते हुए क्या व्यवस्था की जा रही सर? देखिए, मरीज हमारे पास इस समय कम है, मैक्सिमम संख्या अभी तक 19 रही है, आज 15 है। व्यवस्थाएँ हमारे पास पूरी हैं, 150 बेड का एमसीएस हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है, रनिंग में है, 100 बेड का पीडियाट्रिक कोविड पूरी तरह तैयार है, आवश्यकता होने पर रनिंग में आ जाएगा, उसकी व्यवस्थाएं सारी तैयारी हैं, पूरी चाक चौबंद है। 80 बेड की इमरजेंसी की व्यवस्थाएं सारी तैयार हैं, वहाँ कोविड ट्रायल चल रहा है, जैसा कि आपने खुद देखा होगा कि वहाँ ट्रायलिंग की व्यवस्था अब नई तरीके से की गई है। पोस्ट कोविड में 100 बेड का हमारे पास मेडिसिन डिपार्टमेंट में व्यवस्था है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे पास 430 बेड की पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर प्रशांत जी का यही कहना है कि लगातार पहले से ही सारी व्यवस्था की हुई है और अब भी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, चाहे सीएम आए, चाहे अगर कोई भी यहाँ पर मंत्री आता है उससे पहले से ही, मतलब ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि मरीज कभी भी यहाँ पर संपूर्ण इलाज के लिए यहाँ पर आ सकता है। कुछ ही दिनों में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग भी यहाँ पर बनने वाली है, वो भी चालू हो जाएगी, जिससे जो मरीज़ जो इलाज के लिए बाहर जाते थे उनको भी यहीं पर इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में मिल पाएगा। कैमरामैन इकबाल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।